हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आज मैं आपके साथ दाल ढोकली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं अपने घर में कैसे दाल ढोकली बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने पहले अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं दाल ढोकली संडे संडे बनाती हूँ, तो एक वीडियो में मैं ज़रूर से ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने अरहर की दाल जो है उसे भिगो के ले लिया है, और आप जितनी लोग हो घर में उस हिसाब से दाल ले लीजिए। और उसके अंदर, दाल के अंदर मैंने ये भीगी हुई मूंगफली के दाने, लहसुन, टमाटर और तेल, हल्दी और हींग डाल दिया है। और अभी इसे हमें पकने के लिए रखना है। मूंगफली के दानों को मैंने भिगो के रखा है क्योंकि उसमें कलर वाली मूंगफली आती है, इस वजह से उसका सारा कलर निकल जाए। अभी दाल हमारी 3 विसल होने के बाद मैंने पका ली है, तो दाल पक के तैयार हो चुकी है। और उसमें जितना पानी चाहिए उस हिसाब से मैंने पानी ले लिया है, और धीमी आंच पे मैंने दाल को पकने के लिए अभी रख दिया है क्योंकि दाल में हमें उबाल लाना है इसलिए। तो अभी धीमी आंच पे दाल पकती रहेगी। और इसमें अभी मैं नमक डाल दूँगी। नमक पूरी दाल के टेस्ट के हिसाब से ही अभी हमें डाल देना है। तो अभी नमक डालने के बाद दाल को अच्छे से मिला देना है। और उसके बाद अभी इसमें हम सूखे मसाले कर देंगे क्योंकि हल्दी पाउडर हमने पहले डाला था लेकिन अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दूँगी। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो इस हिसाब से। और धनिया जीरा पाउडर, आप चाहे तो यहाँ पर हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल सकते हो, या फिर अदरक हरी मिर्च को कूट के भी डाल सकते हो या काट के भी डाल सकते हो। और धनिया जीरा पाउडर वो सब डालने के बाद अच्छे से मैंने मिला दिया है। और दाल अभी धीमी आंच पे उबलेगी, तब तक हम यहाँ पर आटा गूंथ लेंगे। तो आटे में मैंने अजवाइन डाली है, नमक और हल्दी पाउडर, इन सबको डाल दिया है। और अभी इसमें मैं तेल डालूँगी, और तेल डालने के बाद इनको मैं अच्छे से मिला दूँगी। मसलना है हमें, मसलना है मतलब कि जो मोयन है ये तेल, तो जो मुट्ठी हम बंद करेंगे और कि ऐसा देखिए ऐसा होना चाहिए, इतना हमें तेल डालना है कि इसमें मुट्ठियाँ हमारी गिरनी चाहिए, उस हिसाब से हमें तेल डाल देना है। और उसके बाद अभी इतना तेल हो जाने के बाद अभी पानी डाल के इसका हमें आटा गूँथ लेना है। तो आटा भी मैंने गूँथ लिया है, तो मैंने यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए हैं। तो हम लोग दाल ढोकली के साथ भाकरी खाते हैं, तो ये जो 3 लोइयाँ अलग है वो ढोकली की है और बाकी की लोइयाँ है वो हम भाकरी खाते हैं, तो उसकी मैंने ले ली है। अभी दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है तो मैं इसमें अभी बघार कर दूंगी। तो जिसके लिए मैंने ये जो छोटा बघार करने का बर्तन होता है उसमें थोड़ा सा तेल लिया है, राई डाला है, और इसमें भी हमें अजवाइन ही डालनी है। अजवाइन से ना ये ढोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी राई और अजवाइन अच्छे से तड़क जाए उसके बाद इसमें सूखी वाली मैं गोल जो 2 मिर्चें मिलती है ना लाल, वो इसमें मैं डालूँगी। आप चाहे तो लंबी वाली भी ले सकते हो, और थोड़ा सा हींग पाउडर। और अभी ये बघार को है ना हमें दाल के अंदर डालना है। तो अभी बघार अच्छे से पक चुका है, तो अभी मैं इसे दाल के अंदर डाल दूँगी। और बहुत ही सावधानी से डालना है क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है ना, तो काफ़ी सारा तेल उड़ता है पानी से जब ही मिक्स होता है तो उस वक्त। अभी इसे अच्छे से मैं फिर से उबलने के लिए ऐसे ही रख दूँगी ताकि बघार का भी बहुत अच्छा टेस्ट दाल में आए। अभी यहाँ पर मैंने ढोकली बेल दी है, तो ढोकली हमें इतनी पतली हमें बेलनी है, और इससे ये आटे से ना ढोकली बहुत ही अच्छे से बेली जाती है। तो अभी भाकरी मेरी यहाँ पर सारी सिक्के तैयार हो चुकी है, तो ये लास्ट वाली भाकरी है तो उसे मैं सेक लेती हूँ, और उसके बाद मैं ढोकली को कच्चा पक्का सेक लूँगी। तो मैंने 3 ढोकलियाँ बेली थी, तो तीनों ढोकलियों को मैं कच्चा पक्का सेक लूँगी। कई बार कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जब भी ढोकली अंदर वो डालते हैं ना, तो उस वक्त ढोकली जो है ना वो चिपक जाती है दाल में जाने के बाद। तो ये ना हो इसलिए हमें जो ढोकली हम डालते हैं ना उसे हम
इस तरीके से सेक के हमें डालनी है। ढोकली आजकल बहुत तरीके की बनती है अलग अलग, लेकिन मैं अपने घर में इस तरीके से बनाती हूँ और ये मेरे परिवार को सबको बहुत पसंद आती है। ढोकली की जो रोटी आप बेलो वो हो सके उतनी पतली ही बेलनी है। जितनी पतली रोटी बेलोगे उतना ही ये उतनी ढोकली अच्छी बनेगी। और इसका आप दो तरीके का भी आटा ले सकते हो, रोटी के जैसा भी बना सकते हो ये ढोकली के लिए आटा, लेकिन मैं एक ही आटे में से ऐसे ढोकली भी बना लेती हूँ और भाकरी भी बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छी ढोकली बनके तैयार होती है। तो अभी तीनों ढोकलियों को सेक लिया है मैंने, रोटियों जो ढोकली के लिए हमने बेली थी, और अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और ये तीनों ढोकलियों को है ना मैंने एक साथ ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से काट लिया है। और इस तरीके से आप ढोकलियों को अलग कर लीजिए और इसके बाद जो दाल हमने उबलने के लिए रखी थी ना उस दाल में ये ढोकलियों को डाल देना है बस। और उबलती रहेगी ना उसी वक्त डालना है, क्योंकि नहीं तो फिर ढोकली सारी नीचे बैठ जाएगी। अभी ढोकली डालने के बाद थोड़ी देर इसे और पकाना है हमें, और इसके बाद अभी इसमें मैं चीनी डालूंगी और एक या आधा जितना नींबू में रस है उस हिसाब से एक नींबू का रस अभी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ में मैंने ये प्याज रखे हैं खाने के लिए, तो ये प्याज में मैंने नींबू हरा धनिया और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और ढोकली खाते वक्त हम नींबू लेते हैं तो मैंने नींबू भी साथ में रख दिया है और ये प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारी दाल ढोकली तैयार है, चावल भी मैंने रख दिए है और साथ में भाखरी भी है। तो हम लोग दाल ढोकली को इस तरीके से एंजॉय करते हैं। कोई कोई लोग सिर्फ ढोकली खाते हैं, चावल साथ में नहीं खाते हैं, हम लोग इस तरीके से खाते हैं भाखरी ढोकली चावल और जो प्याज है उससे। इस तरीके से एक बार ज़रूर से बनाइएगा, बहुत टेस्टी ढोकली बनके तैयार होती है और खाने में है ना बहुत ही मज़ा आता है। ये खाने के बाद आपको और कुछ खाने का मन नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।